उस वक्त भी ये जर्नेल सारे पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज कर रहे थे, CIA काम कर रहा था, ISI काम कर रहा था, जर्नेल लगे हुए थे। इस मुल्क को आप मुल्क समझते हैं? ये उनका चरागाह है। तहरीक मीडिया जे हर इंदर वीडियो दिसण जे लाए गाढ़े रंग जे सब्सक्राइब जे बटन के दबायो आए उन जे बरसा घंटी जे बटन के जरूर दबायो। इन सा असा जो नई वीडियो सब खां पहिरीं तव्हां खे दिसण लाए मिली सकंदियूं। वीडियोस पसंद अचन त लाइक कयो, शेयर कयो ऐं कमेंट कयो। बहरहाल 1.5 साल से जो पेशरफ़ हुई है पॉजिटिव है। कितना हम एतबाद करें दिल्ली और इस्लामाबाद की सरकार पर के ये वाकई सिंसियरली कमिटेड हैं आवाम की कॉज से, पीस से, सिक्योरिटी से। पलीजो साहब, सर हमारी बदकिस्मत यह है कि हमारे मुल्क तीसरी दुनिया के और मुल्कों की तरह बहुत इंसार रखते हैं बड़ी सुपर पावर पर। जब वो सुपर पावर्स दो होते थे, अब एक है, तो वो तरगीब देते हैं तो मामला आगे बढ़ता है, वो ठंडे पड़ जाते हैं तो फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। बातों को आगे चलाने के लिए भी कई वजूहात हैं, उनको रोकने के लिए भी कई हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आवाम के अंदर तो बड़ी हद तक इत्तेफाक राय है कि इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको कंट्रोल किया जाए और इनके ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन बहुत सा बहरहाल दोनों मुल्कों में कई अनासर, कई कुवतें, कई मफादात ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये लोग करीब आएँ, और वैसे जायज़ किस्म की इख्तलाफात भी हैं, दोनों को शिकायतें भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई मुस्बित बात है कि किसी ने भी शुरू किया हो लेकिन ये जारी रहे। लेकिन इस पर काम ज़्यादा होना है, ये नहीं होना चाहिए कि अमेरिका साहब जब चाहे तब तक ये मामला चले, वो ठंडे पड़ जाएँ तो हम फिर बैठ जाएँ। ठीक है, इसलिए ये बात इस बात को दोनों मुल्कों के मफादात के नुक्ते नज़र से भी आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप ये समझते हैं क्योंकि आम तौर पर कई बार ऐसा हुआ, शिमला अकॉर्ड हुआ, फिर ऐलान लाहौर हुआ, पहले बगैर तारीख ताशन अकॉर्ड की भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब इनकी ज़रूरत होती है यानी दिल्ली और इस्लामाबाद की, तब तो वो तमाम खिड़की दरवाजे हर चीज़ खोल देते हैं, लेकिन ज़रा कोई उनका मौके बदला सब बंद हो जाते हैं, ख़ास तौर पर आवाम के लिए। अब जो कहा यह जाता है कि जी वाजपेयी साहब देखें जैसे इंतहा पसंद जो कभी ऊंट पर आते थे पाकिस्तान को फतेह करने के लिए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और अब हर तरफ से अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और इसको आप भी समझते हैं कि ये जो बस सर्विस का है ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और दोनों तरफ के कश्मीरियों को अगर मिल बैठने का मौका मिल गया, क्योंकि कहा यह जाता है कि जंग जी कश्मीरी पर हो रही है, उससे हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे? मैं इसको खुशामदीद कहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और जो उन्होंने कहा कि मदर्स ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और हर चीज़ के बावजूद लोग एक दूसरे के करीब आएँ उसका खैर मकदम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है। नहीं, यहाँ तक तो बात ठीक है। मुझे लगता है पलीजो साहब आप जिस तरह शायद इस वजह से तो नहीं कि जो मौजूदा इस्लामाबाद की हुकूमत के खिलाफ इस वक्त आपका एक बड़ा कन्फर्टेशन है, और अगर ये हुकूमत हिंदुस्तान से, बहरहाल एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, सिविलियन हुकूमतें भी इस तरह पेशरफ़ नहीं करती, खासतौर पर जैसे श्रीनगर मुजफ्फराबाद आप खुश आमदेद कहते हैं, कुछ अब मुझे लगता है कुछ तहफ़ुज़ात हैं आपके। नहीं, मुझे कोई तहफ़ुज़ात, मुझे तहफ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि इसमें जो रुकावटें खड़ी की गई हैं वो अपनी जगह पर हैं, नफ्सियाती रुकावटें अपनी जगह पर हैं, ये ऊपरी चीज़ें हैं। ठीक है, जब ये चाहें तो हो, जब न चाहें तो ना हो। लोगों के दिलों में जो बातें भरी गई हैं वो अपनी जगह पर हैं। पूरी तारीख मसख कर दी गई है, वो जो बोझ है झूठ का, प्रोपेगेंडा का और कहावतों का, पुराने दास्तानों का, वो दूर नहीं हुआ है। मैंने मैं इस्लामाबाद में एक सेमिनार था, मैंने कहा आप लोगों को खुल के डिस्कस करने क्यों नहीं देते? तारीख दानों को मिलना चाहिए, मुबारकों को, ये जो इंतहाई झूठी दास्तान तराजें की गई हैं। मसलन रामराज था, उसमें दूध और शक्कर था, सारे लोग खुश होते थे, भारत अखंड था, भारत कभी टुकड़े नहीं हुआ, अभी आके पाकिस्तान ने टुकड़े किए, ये कहानी है। मुसलमानों के ज़माने में बड़ा इंसाफ होता था, मंदिरों की तामीर होती थी, भाई भाई थे, अमीर खुसरो थे, गालिब थे, फलां थे,
ये भी झूठ है। बड़ा जुल्म हुआ था हिंदुओं के साथ, बड़ा जुल्म हुआ था अक्सरियत के साथ, इंतहाई जहरीला माहौल था। और ये जो फातहीन थे उन्होंने जो जुल्म किए वो तारीख के बदतरीन जुल्म हैं, वो भी झूठ था, वो जो शूद्रों के साथ था। और ये दूसरा झूठ कि मुसलमानों के ज़माने में बड़ा इंसाफ होता था, पर अंग्रेज़ के ज़माने में कि जी वो तो अंग्रेज़ ने सबको लड़ाया है, पहले तो कुछ भी नहीं था। भाई पहले था, ठीक है, रामराज के ज़माने में भी था और मुसलमानों के दौर में भी था और अंग्रेज़ के ज़माने में भी था। फिर जनाब कश्मीर हमारा इसलिए है कि हम सेकुलर हैं हिंदुस्तान के, और हैदराबाद हमारा इसलिए है कि वहाँ की आबादी अक्सरियत हिंदू है, ठीक है। अपने माउंट बैटन ने जो कुछ किया उसका जिक्र ही नहीं है, कैसे खून की नदियां बहा दी, वो जो उसने किया था अवार्ड को। तो ये जो सारे ढकोसले थे तारीख के और मुसलमानों के साथ वो इंसाफ कर रहे थे, या जब मोहम्मद बिन कासिम आया उस जमाने से ही पाकिस्तान बना हुआ था, या शरीयत के चलाने के लिए बना था, या मुख्तलिफ मजाहब के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, ये तो गैर फितरी था, कोई पाकिस्तान बना वो बिल्कुल लाजमी था। ये सारी कहानियां हैं, पाकिस्तान बिल्कुल लाजमी नहीं था। अगर कांग्रेस इन बातों को समझती और इंसाफ करती तो मोहम्मद अली जिन्ना तो उसके हक में थे ही नहीं। ये सारा जब तक बात मामला साफ नहीं होगा तो हम इनके रहम व करम पर रहेंगे। अली साहब ये बड़ा अच्छा मौजू है और इस पर एक अलग हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था इस वक्त पानी और डैम का मसला बड़ा अहम है। इस पर हमने एक बहुत ही एक दो मिनट की एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, वो आपको दिखाता चलूं, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। इस वक्त जो आपकी जद्दोजहद हो रही है, तहरीक चल रही है, कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं बस ठीक है, एक छोटे सूबों के लोग कहते ही रहते हैं, पिछले 50 साल से कह रहे हैं, और वो जो मैं नहीं कहता क्या क्या इल्जाम लगाते हैं, इस तमाम पर गुफ्तगू मैं आपसे जरूर करूंगा। लेकिन देखते हैं एक हमने एक रिपोर्ट, एक मुख्तसर सी रिपोर्ट इस बारे में कि पानी के मसले पर। पानी और डैम कौमी और बैन अल-अक़वामी मंजरनामे में हमेशा ही से बड़े बड़े तनाज़ात और तसादुम का बाइस रहे हैं। इस वक्त भी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मसले पर दो तरफा मुज़ाकरात में तेज़ रफ्तार पेशरफ्त हो रही है, यहाँ तक कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस जैसे दरीना मसले के बारे में तारीखी फैसला हो चुका है। बगलियार डैम एक ऐसा संगीन मसला बनकर सामने आया है कि जो दो तरफा मुज़ाकरात के बजाय अब आलमी बैंक की मेज पर पड़ा है। वतन अजीज में यूं तो छोटे सूबों की महरूमियों और अपने हकूक के हवाले से जद्दोजहद की बड़ी तारीख है, मगर पानी की तकसीम और कालाबाग डैम हालिया बरसों में ऐसे बड़े और बुनियादी मसाइल उभर कर सामने आए हैं जिस पर कौम परस्तों की तोपों एक जंग का समा पैदा कर दिया है। इस्लामाबाद में सिविलियन मुंतखब हुकूमत हो, उनका तवातुर से इसरार है कि कालाबाग डैम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजमी है, जबकि छोटे सूबों खास तौर पर सिंध का कहना है कि कालाबाग डैम पहले ही से पसमानदगी में डूबे इन सूबों को हमेशा के लिए डुबो देगा। सिंध बलूचिस्तान और सूबे सरहद की असेंबलियां मुत्तफिका तौर पर कालाबाग डैम को रद्द कर चुकी हैं। सदर परवेज मुशर्रफ और उनकी हुकूमत को एतमाद में लेने के लिए अपनी सरगर्मियां इंतहाई तेज की हुई हैं, मगर धरना देने वाले दानिश्वर सियासतदान और उनके हामी अपने मौकफ पर इंतहाई सख्ती से डटे हुए हैं। नो कालाबाग डैम, इन दो इंतहाओं के दरमियान क्या कोई तीसरा रास्ता है? अली जो साहब, इस मैंने जैसे कहा कि एक ऑब्जर्वेशन है, हमने कुछ कोशिश की कि एक तायराना जायजा लिया जाए हमारे पानी का मसला पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान भी, और ये मसला क्या जैसा कि सवाल उठा इस्लामाबाद जब ये उठाता है, यानी पंजाब की असम्बली उठाती है, पंजाब के जो क्यादत है वो उठाती है कालाबाग डैम के इशू को, और छोटे सूबे यानी आप उठाते हैं, दोनों पिछले बरसों से अलग अलग सफबंदी किए हुए हैं, तीसरा रास्ता नहीं है? तीसरा रास्ता है
कि कुरान कहता है कि फहातु बुरहान को बेनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपने दलाइल लाओ। अच्छा, हमने कई बार कहा है अपने भाइयों को कि आप अपने दलाइल लाएं, अपने इंजीनियर्स को लाएं, बैठते हैं आपस में बात करते हैं, गैर जानबदार OIC को नुमाइंदे लाएं, यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट लाएं, उनके सामने हम बात करते हैं, हम अपना केस रखते हैं। हमारा कहना है कि 80% तो पानी, आप तो कालाबार डैम की बात करें, बुनियादी मसला कालाबार डैम नहीं है, हमारे हिस्से का पानी 80% 1859 से ज़बरदस्ती मरकजी सरकार और सूबाई सरकार ने वो ले लिया है। ठीक है, कमीशन हुई हैं, उनका खिलाफवर्जी की है, राव कमीशन के फैसलों किया है, हमारा पानी तो चला गया है, कुछ नहीं, इज अ ट्रिकलिंग ऑफ वाटर, पानी अभी ले गए हैं, 80-50 उसका हिसाब करें। आप कालाबार कोरोना रो रहे हैं, पहले हमारे साथ बात करें, जो 3 नदियां आपने छुपके बेची, जो जलंधर का सीक्रेट एग्रीमेंट किया, जो हमारी इजाजत के बगैर आपने छुप के खिलाफ कानून आरजी अल्ट्रम पार्टम के कानून के बैनर अकवामी कानून की नेचुरल लॉ की खिलाफ वर्जी करके आपने पानी सारे पंजाब के हवाले कर दिए और सिंध का नाम निकाल दिया। हिंदुस्तान के साथ बात करने वाले हम दो थे, पंजाब का सूबा था और सिंध का सूबा था, लेकिन 1947 में जो हिंदुस्तान के साथ बातचीत हुई, मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब को रखा, सारे पंजाबियों के हवाले सारा पानी कर दिया, सिंध के आदमी को निकाल दिया। लेकिन अली जो साहब जो सिंध की क्यादत थी, सिंध की पार्टियां थी, वो भी तो 70 से इख्तदार में चली आ रही हैं, इसके मायने जो जब छुप के वो ये काम कर रहे थे, चोरी छुपे कर रहे थे, वो इसमें शामिल नहीं थे, सिंध की क्यादत शामिल नहीं थी, आप उसे कंडम नहीं करते, पंजाब की क्यादत को कंडम करते। 1947 में लियाकत अली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा, कि बेसिकली पाकिस्तान बनते जब हिंदुस्तान था तो हम वहां मौजूद थे, कॉटन कमेटी में सिंध और पंजाब का झगड़ा चल रहा था, उनको सुना गया, एंडरसन कमेटी में सिंध और पंजाब आपस में थे, बेअन राव की कमीशन जो बनी थी उसमें किया, पाकिस्तान बनते ही लियाकत अली खान के गवर्नमेंट ने सिंध का कर दिया, यहां तक हो गया। 70 में भुट्टो साहब को मौका मिला, 70 को छोड़ें जनाब, उसके बाद जो टॉक्स हुई 60 में भुट्टो से कहीं पहले, हमारे नई जी अयूब खान साहब, ठीक है, एक भी सिंधी नहीं था इंजीनियर कमेटी में, हम नहीं थे, ये सारा जो इन्होंने पास किया है 1960 जो इंडिया इंडस के साथ इंडस रिवर के सिस्टम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तस्तिया हुआ है, हमारे लिए गैर कानूनी है, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, ये तो बैन अक्वामी कानून में सबसे बड़ा जुर्म करके मरकजी सरकार ने, फेडरल गवर्नमेंट हैज एक्टेड क्रिमिनली इन दिस मैटर, पहले दिन से इट्स कमिटिंग क्राइम्स, आज भी फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे सदर और वजीर आजम क्राइम के तौर पर इर्तकाब कर रहे हैं और सिंध के करोड़ों लोगों के हकूक के साथ। 60s में ये हुआ, 70s में बहरहाल एक ऐसी मुंतखब हुकूमत आई जिसने 73 का आइन बनाया। हम ये नहीं समझते कि उस वक्त जो भुट्टो साहब या दीगर सूबों में जो हुकूमतें आई थी वो इतनी बेबस थी कि वो 60s के मायदे को जो है वो खत्म नहीं करती, तो उसमें तब्दीली नहीं करती। आप ये तो मानते हैं कि वो खिलाफ कानून, ठीक है, मान लिया और 1960 एग्रीमेंट सो फार सिंध इज कंसर्न वो गैर कानूनी था, हिंद पाकिस्तान का मुआहदा सिंध दुश्मन था, सिंध के खिलाफ था, ये जो डैम बनाए गए थे वो खिलाफ कानून थे, मंगला खिलाफ कानून था, 3 नदियां बेची गई वो खिलाफ कानून था, जो अरबा रुपए सारे मगरबी पाकिस्तान के नाम पर कर्जा लिया गया उसकी एक एक पाई पंजाब के अंदर खर्च हुई, एक पाई भी यहां खर्च नहीं हुई, खिलाफ कानून था, ये जो लिंक कैनाल्स किए ये खिलाफ कानून था, ये आप मानते हैं कि सारे के सारे हमारी गैर मौजूदगी की वजह से, हमारी नुमाइंदगी न होने की वजह से खिलाफ कानून थे। लेकिन जब नुमाइंदगी मिल गई, अब उसके बाद आते हैं ना, ये तो तस्लीम करते हैं कि ये खिलाफ कानून था, उसके बाद नुमाइंदगी मिली, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये खिलाफ कानून थे। ठीक है, चलें, अब गवर्नमेंट आई भुट्टो साहब की, मैं आज भी कहता हूं किसी छोटे सूबे के आदमी को वजीर आजम नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि ये वन यूनिट है, ये पाकिस्तान नहीं है, वो ना सिर्फ बनता है बल्कि बड़ा सूबा जब अलग होता है तो कहता है थैंक गॉड पाकिस्तान सेफ रहा। उस वक्त पाकिस्तान कायद आजम वाला था ही नहीं जब भुट्टो वजीर आजम हुआ, भुट्टो के वजीर आजम बनने से पहले कायद आजम वाला पाकिस्तान कत्ल हो चुका था, फौजी जनरलों ने कत्ल कर दिया था, ठीक, क्योंकि वो जो बैलेंस था, वो जो फेडरेशन थी, वो कत्ल हो गई थी।
वो खत्म हो गई थी 1970 में, जिस वक्त उन्होंने ढाका पे हमला किया, उन फौजियों ने हथियार डाले थे। उस वक्त पाकिस्तान वहां सिर्फ मैदान जंग में मशरकी पाकिस्तान नहीं गया, वो पाकिस्तान चला गया जिसमें हम शामिल हुए थे। हम बराबरी वाले पाकिस्तान में शामिल हुए थे। किसी सिकंदर आजम ने हमें फतेह नहीं किया था। हमें इश्क नहीं था कि हम अपने आप को गुलाम बना के इनके रहमो करम पर चलें, कि लेफ्ट राइट करके सारा दिन चलते हैं। अब अयूब खान आ रहा है, अब जया खान आ रहा है, अब मुशर्रफ आ रहा है, अब ज़िया उल्हक़ है। हमें कोई खुशी नहीं थी। वो ये सिंध का सबसे पॉपुलर आदमी पंजाब और पंजाब का और पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी उस बंगाल के कत्ल पर इंडोर्स करता है, कहता है पाकिस्तान से पॉइंट है कि बात थी, फर्द की बात कर रहे हैं। मैं उसके पीछे पाकिस्तान था ही नहीं, आवाम की दूसरी बात है। पाकिस्तान नहीं था, आवाम की मेजॉरिटी उस वक्त पंजाब के अलावा मेजॉरिटी सिंध के आवाम, पंजाब के आवाम भुट्टो साहब के साथ थे। पली हमारे सारे आवाम अंग्रेज के साथ थे। फिर क्या हुआ, जब फतेह आया, जब हुकूमत पंजाब के हाथ में थी, आर्मी बैठी थी, सिकंदर मिर्जा बैठा था, यया बैठा था, सारे मुल्क को जर्नेल खा गए हैं। जो आदमी आएगा उनका नौकर होगा, पली जो साहब वो नौकरी जो आदमी आएगा नौकर होगा। अभी 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 देखें, अभी इलेक्शन पीपल पार्टी ने जीत ली है। अभी हुकूमत कौन कर रहा है, दहशतगर्द कर रहे हैं या पीपल पार्टी कर रही है? कैसे जीत गए वो? मैं जीतने के बाद बिगेस्ट पार्टी, एक पार्टी ने पंजाब में अक्सरियत वाली पार्टी हुकूमत कर रही है, फ्रंटियर में अक्सरियत वाली पार्टी हुकूमत कर रही है जो फर्स्ट नंबर पार्टी थी, बलोचिस्तान में जो फर्स्ट नंबर पार्टी की है, सिंध में एक छोटी अजीजाबाद की ग्रुप जो है वो हुकूमत कर रहा है। इन जर्नलों ने पाकिस्तान पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। बातों से पाकिस्तान, पाकिस्तान नाम है, लेबल लगा दे लॉ। मैं आपसे के लेबलों को नहीं देखता, मैं आपसे मुत्तफिक, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो मुंतखब हुकूमतें आती रही वो इन्हीं जनरलों के सहारे खड़ी होती हैं, उनको मेंटर कहती हैं, उनको अपने उनकी लाइन को टो करती है। जब निकाला जाता है फिर उन्हें याद आता है कि फौजी ने निकाला। आप मेरी बात समझे, ये जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो पैदा ही जर्नलों की क्यों हुई हैं? वो लोगों को लेते, आपको लेंगे, मुझे लेंगे। ये जर्नेल जो अपने काम के आदमी होते हैं, मसलन नवाज शाह को भर्ती किया, ठीक है, भुट्टो साहब को सिकंदर मिर्जा ले आए, ठीक है, अयूब खान, अयूब खान लेके आए, अयूब खान ले आए। तो अपने शरायत पर जर्नेल साहिबान ने अमेरिका और इंग्लैंड के साथ मिलके इस मुल्क को बेच दिया साम्राज्य के साथ। अभी ने बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल भोले, बेनजीर नवाज शरीफ भोले, भुट्टो साहब बिल्कुल भोले, मासूम। आप बेनजीर और भुट्टो को अहमियत देते हैं? नहीं, बिल्कुल, इसलिए आवाम उन्हें वोट देते हैं। अरे भाई, क्या आवाम के वोट, ये इलेक्शन थे, भुट्टो का इलेक्शन था। इलेक्शन करते हैं पीपल्स पार्टी, वो कौन सा इलेक्शन, 70s। उस वक्त भी ये सारे जर्नेल पैसे दे रहे थे, करोड़ों रुपए, मेरे पास सबूत है, बैठेंगे सामने कमीशन को बिठाएं। उस वक्त भी ये जर्नेल सारे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे थे, CIA काम कर रहा था, ISI काम कर रहा था, जर्नेल लगे हुए थे। इस मुल्क को आप मुल्क समझते हैं? ये उनका चरागाह है, शिकारगाह है, जर्नेल बैठे हैं, तबाह कर दिया है, डिस्टेबलाइज किया जब इसमें। लेकिन आप लोग जिस तरह कंडम एस्टेब्लिशमेंट को करते हैं, सियासतदानों को नहीं करते, आप फिर उनके साथ क्यों बैठे? ये सियासतदान है ही नहीं, ये तो बेचारे जर्नलों को खाते हैं। पली साहब, फिर आप उनके साथ क्यों बैठे? जैसे उसामा बिन लादेन, क्यों जल्द से जल्द, जैसे उसामा बिन लादेन साहब तशरीफ लाए, उनने रीगन ने कहा कि ये मुजाहिद अजीम है, काम निकला, जब काम निकला तो कहा ये गद्दार है। तो ये बेचारे तो लाए हुए इन जर्नल साहिबान के हैं जो साहब उनके साथ आप बैठकर हम आपके साथ बैठे हैं तो क्या हुआ? नहीं, हम साहब उनके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं भाई। हम ट्रेनों में चलते हैं, जर्नलों से मिलते हैं, जो कोर्टों में जाते हैं, लेकिन कोर्टों की हालत जर्नलों की पावर में आएंगे, हम तो हर जगह कहां जाएंगे फिर? यही नून और काफा ही नहीं, हम कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरी पुरमन जद्दोजहद चाहिए। हम सियासतदानों के पीछे नहीं हैं, हम उनके साथ चलेंगे, आप चलेंगे। ये जनरल साहब आए हमारे साथ, अपने हक के लिए चले, हम तैयार हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम बराबरी के बुनियादों पर पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाने के लिए, ये वन यूनिट खत्म करने के लिए, ये ग्रेटर पंजाब का पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान की लेबल के नीचे ग्रेटर पंजाब जो है, इसको यहां तक आगे जमहूरी हुकूमत करना। अच्छा, अब आप ये समझते हैं कि ये जो कमेटी एक बनाई गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल कमेटी या जो भी आप कहें टेक्निकल कमेटी, आप समझते हैं इनके जरिए तो कोई मसला हल होगा ही? कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट कैसे करेगी? दिस गवर्नमेंट इज एन अक्यूज्ड, ये मुजरिम है, ये सारे, ये सदर, ये वजीर आजम, ये सारे ये बच्चे हैं। उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें सिंध को निकाल दिया था इन लोगों ने,
मासूम है। सिंध ने जो एग्रीमेंट किया 91 का, 91 और 94 उसमें किया, एक आदमी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर, ये भी क्राइम है सेंटर का, और वो अमिताभ भुट्टो ने किया, नाम नेहाद झूठे सेंटर का, फिस्ताई सेंटर का। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि एक आदमी को उठा के उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इलेक्शन में जीतते हैं, एक मेजोरिटी एक होती है, और ये यहाँ बैठकर लोग लगाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? परिजो साहब, ये गवर्नमेंट है। परिजो साहब, क्या कालाबाग डैम पर भारत दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनकी बात सुनेंगे आप नहीं? शम्सुल मलिक साहब की बात सुनेंगे या नहीं? शम्सुल मलिक साहब वो करे, उनको कौन पूछता है? वो वो ये हमारे ऐसे दो कौड़े के आदमी हमारी फिरते हैं, जिनको जो भी कहें वो बैठा दें। शम्सुल मलिक कौन पूछते हैं? हेलो हेलो, परिजो साहब आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया? वो ये कहते हैं जी आप जो बात करते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इसको मानते ही नहीं है। कालाबाग डैम के मसले पर कहते हैं जी आप तो ऐसे करते हैं। जी फरमाइए, ये क्या कहेंगे? हेलो जी, जी जी फरमाइए जी। मुजाहिद भाई, मलिजो साहब कहते हैं कालाबाग डैम पर हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों सुने, इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो आप पानी जो है हमारा कोई 80% पता नहीं बरसों से आप ले गए खा गए। वो तो मैं हर एक हमारे दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करता हूँ, और ये जरूरी नहीं, क्योंकि मेरा जो जिम्मेदारी है मुझे उसको निभाना, ये मेरा फर्ज। लेकिन ये बात तय है ना कि तीनों सूबों जो छोटे सूबे हैं उनकी असेंबली, उनके आवाम कालाबाग डैम को रिजेक्ट करते हैं ना, उसकी इनकी इनके जो तहफात हैं उन्हें दूर करने में आप कामयाब नहीं रहे ना। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मैंने जब अपनी जिम्मेदारी अभी यानी कि उसमें हम कोशा है, सॉरी जी ना, बासी साहब लाइन पर हैं जो कमेटी के आपके सिंध का लोग, ये नहीं अर्ज कर सकता क्योंकि जो पास्ट में हुआ है गुज़श्ता 30 साल से जो हो रहा है वो तो हो रहा है, और उसमें कई पॉइंट्स ऑफ व्यू कहे जा रहे हैं, और मैंने ये जिम्मेदारी जो मुझे कोई भी जिम्मेदारी से मैं गुरेज नहीं करता, वैसे मैं गोशे नशीनी की जिंदगी इख्तियार की हुई थी, लेकिन मुझे बुला के कोई जिम्मेदारी देता है प्यार से तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि जो कुछ मुझ में है उसको मैं अपनी सलाहियत के मुताबिक पूरी कोशिश करूँ। स्पेसिफिक बात, अच्छा एएनजी अब्बासी साहब, और अब बताइए आपकी रिपोर्ट किस मरहले में है, और क्या वो खास तौर पर सिंध को और दीगर सूबों को मुतमईन करेगी? मैं आपको अर्ज करूँ कि मेरा ये फर्ज बनता है, ये रिपोर्ट जो है तब तो ये मैं अर्ज करूँ कि हमने 8 मीटिंग्स की हैं, और हर एक मीटिंग के कई सेशंस हुए हैं, और उसमें हमने प्रेजेंटेशंस मुकम्मल करा ली हैं और उस पर डिस्कशंस भी मुकम्मल करा ली हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे अहम मरहले में है कि इनको टू पुट टुगेदर द मटेरियल व्हिच इज बिफोर अस, और उसको फाइनल शेप दे के जो हमारे साहब अख्तियार हैं, हमारे जिन्होंने हमें मुकरर किया है उनको रिपोर्ट पेश करें। आपको इल्म है आप बहरहाल टेक्निकल कमेटी को हेड कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहरहाल एक बड़ा हॉट पॉलिटिकल इशू है, किस तरह मुतमईन करेंगे आप? मैं आपको अर्ज करूँ कि हम अपनी तरफ से इनके जो मसाले हैं उनके टेक्निकल पहलुओं को उजागर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा ये काम नहीं बनता है कि ये जो पलीजो साहब कह रहे हैं कि 80% पानी बरसों से उनका लिया जा रहा है, ये बात दुरुस्त है? जब ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि हम ये जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो उसका मैं कोई शख्सी जो मेरे राय है वो इस वक्त मैंने आपको भी अर्ज किया था जब आपने मुझे कहा कि आप के लाइव प्रोग्राम में शामिल हो जाऊं, कि मैं शख्सी राय कोई नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारी कमेटी की जिम्मेदारी है उसका जो इस वक्त मरहला है वो ये नहीं है कि उसमें जो कुछ हम कर चुके हैं वो क्यों कभी फाइनल शेप में नहीं है, तो उसके मुताबिक ये मैं जरूर अर्ज करूंगा कि सारे पहलू जो हमारे टीओआर के हैं उसमें डैम्स का भी है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, रेगुलेशन का भी है, उनका जायजा हमने ले रखा है, अब उसको हम फाइनल शेप देके हम अपने प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट पेश कर देंगे। ए एन जी अब्बासी साहब, बहरहाल टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं,
पर ये सब एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है ना, बहरहाल उनकी एक ऑब्जर्वेशन है और आपके सिंध के आदमी है और आपके देखें ये सारी बात इरेलेवेंट है, बात है पॉलिटिकल। आप कह रहे हो इनके टर्म्स ऑफ, आपने सुना इनको टीओआर कह रहे हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये बात है ही नहीं कि कितना पानी ले गए हैं, कहां है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कहां है ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस के इन्होंने पाकिस्तान बनते ही हमारा नाम काट दिया था इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली क्रिमिनली, ऐसे क्रिमिनली ठीक है, इनका सारा बिहेवियर इज क्रिमिनल फ्रॉम ए टू जेड, आई से दिस विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉयर, ठीक है, ये क्रिमिनल था, अगेंस्ट ही लॉ था, अगेंस्ट नेशनल लॉ था, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ था, अगेंस्ट इस्लामिक लॉ था, इनकी कोई हैसियत नहीं है, जो फैसले किए वो कल अदम है, रद्द है, किसी काबिल नहीं है कि इन पर बात की जाए। और ये किया हमारा और इसका आगाज किया लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान ने, और उस वक्त एक बहरहाल एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम रोल अदा किया था। आप सिविलियन सिविलियन क्या है, हुकूमत आर्मी के हाथ में भी सिविलियन क्या करेंगे, ट्रेटर जनरल्स वर टेकिंग टेकन ओवर पाकिस्तान, देवर एंड काहूस विद वेस्टर्न फॉरेंस, हिंदुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ ही नहीं, कायद एजम मोहम्मद अली जिना बीमार था, उसको कत्ल कर डाला, उसके बहन को कत्ल कर डाला, उसको डिसमिस किया मुस्लिम लीग से, मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, ही वॉज डिसमिस फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय दिस लियाकत अली खान, ही अपॉइंटेड खलीकुज्जमान एज द ऑर्गेनाइजर ऑन दैट डे, डू यू फॉरगेट द डे ऑन दैट डे जब उन्होंने कहा जिना ने वॉकआउट किया, उनकी कम बेइज्जती हुई है, उनके जो स्टेटमेंट होता था वो होता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन परिजी साहब ये बात मान लेते हैं कि ठीक है, वो तो कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा 47 से 58 के पीरियड को, फिर अयूब खान आ गए 72, लेकिन एक बात पर जो मेरा आपसे बख्तियात है कि बहरहाल जब भी आप इन्हें माने ना माने, पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को इख्तदार देते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वो भी बलूचिस्तान और सूबे सरहद की हुकूमत खत्म करते हैं, आपने ही बरसों जेल काटी भुट्टो साहब के जमाने में 89 से लेकर 99 तक, फिर बहरहाल ये आप ना कहें कि बिल्कुल बेइख्तियार थे बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ, उन्हें बहुत कुछ आजादी थी, उन्होंने भी कोई फर्क नहीं किया, आपका आपकी तोपों का रुख जो है इस्लामाबाद में होता है, एस्टेब्लिशमेंट को कहना आसान है, फिर दोहराए ना, मैं कहता हूं कि भुट्टो साहब ने भी ये मसला अपने दौर में नहीं उठाया, ये मैं कह चुका हूं, मैं रोज कहता हूं, हर तकरीर में कहता हूं, मैं कहता हूं ये जो लिंक कैलांस कैनाल से हैं उनको भी रद्द करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ठीक है, और आज भी जो हमारा जो सियासतदान है वो अपने फराइज, मुझे पता नहीं है कि वो अपने फराइज अदा करेंगे या डील्स करके सारे मुल्क का खाना खराब कर देंगे, आई डोंट नो, ठीक है, आई एग्री विथ यू, आई एम नॉट डिसएग्री विथ यू, ठीक है, सियासतदानों ने अपना काम कर कर कर, लेकिन मेरी रिजर्वेशन ये है, सियासतदान कहां है, सियासतदान को आने ही नहीं देंगे, हर एक मेंबर के पीछे एक सूबेदार मेजर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के नस नस में आईएसआई के इंटरफेरेंस का जहर घुला हुआ है, पाकिस्तान में हुकूमत है कहां, अवाम है कहां, डेमोक्रेसी कहां है, ये सारे लोग खा गए हैं मुल्क को, मुझे क्या कहलवाना चाहते हैं, आके हमारे साथ डिबेट करें, कैसी गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस है, ये हुकूमत है, अब क्या फिर भी है? फिर भी आप कहते हैं कि जी बस से बस उस जमहूरियत तो बेहतर है ना, फिर भी बस से बस आमरियत से, जब जमहूरियत हो ना, जमहूरियत में यही आएंगे, ये जमहूरियत नहीं नहीं कैसे हैं, अगर आए हैं यही, अगर जर्नेल जान छोड़ें, लोगों को छोड़ें, इस पर अवाम कब्जा कर लेंगे, वो उन्हें लाते हैं, वडेरों को छोड़ते नहीं है, वो उन्हें लाते हैं, मैं कहता हूं नहीं, ये अफसाना इन्होंने बनाया है, वो खुद कहते हैं पहले जर्नेलों ने इनको भर्ती किया, हर एक आदमी को भर्ती जर्नेलों ने किया, भुट्टो नवाज शरीफ सब, फिर ऐसे एब्सोल्युटली, फिर ऐसे लोग, यानी भुट्टो साहब नवाज शरीफ जैसे लोग जिन्हें पाकिस्तान के 70-80% आवाम वोट देते हैं, इन्हें भी उन्होंने भर्ती किया, रिश्ते हैं आला अलीगीन के हैं, लेकिन भुट्टो साहब को इसकंदर मिर्जा ने वजीर मुकर्रर किया था, आपने नहीं किया था, मैंने किया था, ठीक है, और नवाज शरीफ साहब को जनाब जियाउल हक साहब ने भर्ती किया था, ठीक है, इन सबको भर्ती करते हैं और उनको ले आते हैं, फिर जब वो उनके काम के नहीं रहते तो मरवा डालते हैं। प्लीज आप एक कॉल और नहीं सुनेंगे, इरशाद जी फरमाइए, ये हम जो गुफ्तगू कर रहे थे पानी और कालाबाग डैम के हवाले से, प्लीज साहब का कहना है कि 80% पानी आज से नहीं बरसों से, और ये तो ये कहते हैं कि इसकी इब्तदा पाकिस्तान के फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने कर दी थी, क्या कहते हैं शम्स साहब? सच बोलने वालों को कोड़ी के कहते हैं, और इसलिए ये हमारी
देखिए इस वक्त आप मुझे स्पेसिफिक सिर्फ ये बताएं कि पलीजो साहब ये कहते हैं कि जी आप दलाइल लेके आइए, टेबल पे बैठिए, जस्टिफाई कीजिए कालाबाग डैम क्यों छोटे सूबों के लिए बेहतर है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वही है बुनियादी तौर पर। तो दो बातें हैं, एक तो ये कि पिछले सालों में क्या हुआ, 80% की जो पलीजो साहब का फिगर है ये किस हद तक सही है। दूसरी बात यह कि आजकल के हालात में कालाबाग डैम की और सिर्फ कालाबाग डैम की बात नहीं हो रही, मुजाहिद साहब हमें अगर चलना है, आगे चलना है और ये तरक्की करनी है और हमने अपने लोगों के लिए वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी का इंतजाम करना है तो हमें एक डैम से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें अपने रिवर सिस्टम को पूरा को डेवलप करना पड़ेगा। और देखिए देखिए वक्त कम है, सिर्फ कोई एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट बताएं जो परिजो साहब कहते हैं जिससे ये मुतमइन हो। वो कहते हैं आज से नहीं, हमारा पानी 57 साल से चोरी किया जा रहा है, उन्हें इस बात की जमानत दें। 150 बरस से कहते हैं कालाबाग डैम बनेगा या जो भी डैम बनेगा उससे मजीद हमारी तबाही होगी, कोई एक टेक्निकल पॉइंट। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इंडस रिवर सिस्टम में जब स्टोरेजेस बने, तरबेला और मंगला बना, तो तरबेला और मंगला की वजह से सिंध को 25% ज्यादा पानी मिलता रहा है रबी में। पहले उनको कोई 12 के करीब मिलियन एकड़ फीट मिलता था, अब तकरीबन कोई 15 मिलियन एकड़ फीट पानी इनको मिलता है। तो स्टोरेजेस ने तो सिंध को और पाकिस्तान के हर सूबे को, सिर्फ सिंध एक्सेप्शन नहीं है, हर सूबे को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया हुआ है। और दूसरा जो फायदा पहुंचाया हुआ है इन इन प्रोजेक्ट्स ने, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कोई 15-20 अरब यूनिट जो है 12 पैसे और 13 पैसे के ऊपर आप प्रोड्यूस करें? आप इमेजिन कर सकते हैं कि कीमत तो बिजली की कीमतें क्या होती है आजकल? अगर ये तरबेला और मंगला की बिजली जो है जो मिल रही है आपको 12 पैसे और 14 पैसे यूनिट के मुकाबला, जो हम थर्मल की खरीदते हैं 2 रुपए और 2.5 रुपए पर, उसकी बजाय अगर ये होता तो आपको बताए कि बिजली की कीमतें कहाँ होती? आप मेरे मेरे सवाल का जवाब देंगे साहब जी, बताए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आपको पता है कि नहीं कि अपर रायपेरियंस होते हैं किसी दरियाओं में, भाईवार लोग होते हैं, पार्टनर होते हैं, और ऊपर वाले पार्टनर को ये हक नहीं पहुँचता कि निचले पार्टनर के इजाजत के बगैर ज्यादा उस मरकज से पानी ली। आपको पता है ला का, ये इंटरनेशनल लॉ है कि नहीं? शम साहब आवाज आ रही है परिजो साहब की? आपको पता है कि दरिया सिंध के दरियाई निजाम पर जो जेहलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये पंजनद में जाकर सिंध में मिल जाती हैं, और इसमें सिंध उसमें लोअर रिपेरियन है, ये आपको मालूम है कि नहीं है? तीसरी बात, क्या इस पर सिंध और पंजाब के दरमियान 1869 से तकरार चल रहा है कि बारी दुआब कैनाल रावी से निकाला था पंजाब ने सिंध के इजाजत के बगैर, उसके बाद उन्होंने 1885 में सिदनाई निकाला, लोअर चनाब निकाला, लोअर जेहलम निकाला हमारी इजाजत के बगैर, जो कि गैर कानूनी था और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। फिर 1908 में पहाड़पुर बगैर इजाजत निकाला, 1914 अपर स्वात निकाला, 1915 में ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट निकाला, लोअर जेहलम, अपर चनाब और लोअर बारी दुआब निकाला। 1919 में उन्होंने 11 कैनाल हमारे खिलाफ चोरी और डाका जरी करके निकाले, 4 हेडवर्क किए, आपको मालूम है कि नहीं है? और दिस वॉज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, अगेंस्ट इस्लामिक लॉ, अगेंस्ट इंडो पाकिस्तान लॉ ऑफ 1935 सेक्शन 31 और 32। शम साहब वो कहेंगे जी देखिए जी हमारी बात जी फरमाइए, अब जो पलीजो साहब कहते हैं ये तो दलाइल के साथ आए। प्रॉब्लम ये है कि पलीजो साहब ने ये कहा है कि बैन अल-अक़वामी कानून है, तो पलीजो साहब के इंफॉर्मेशन के लिए और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी तक बैन अल-अक़वामी कानून पानी के मुतलिक नहीं है, प्रेसिडेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल होते आए हैं। और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी इंसानियत की कामयाबी होगी कि एक बैन अल-अक़वामी कानून पानी के मुतलिक बन जाए, ताकि उस किस्म के जो, क्योंकि जो मुस्तकबिल है उस मुस्तकबिल में पानी के रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे वो बहुत ज्यादा गंभीर होंगे और बहुत ज्यादा मसले बनेंगे।
नहीं आप जो कह रहे थे कि लेकिन उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि तरबेला रिजर्वायर सुबह सरहद में है, सुबह सरहद में लोकेटेड है। क्या ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि उस रिजर्वायर से क्या सुबह सरहद ने अपने एलोकेशन से 10 क्यूसिक भी ज्यादा पानी कहीं लिया हुआ है? हमारा ये एतराज ही नहीं, मैं कहता हूँ खिलाफ एक जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब दें कि पहले दिन से ये ढाके की तरह कर रहे हैं। अब जवाब पलीजो साहब का ये कहना है, आप रिलेवेंट करें तो हम सुनेंगे, वरना आई हैव नो टाइम फॉर दिस इरेलेवेंट टॉक। सरमन सुन सुनेंगे सरकारी अफसरों के सरमन सुनने के लिए, इनका ये कहना है कि ऊपर वालों को कैसे हल्का जवाब दें, क्या हमारे इजाजत के बगैर बारी दुआ कैनाल 1859 में निकाला था, हमारे इजाजत ली थी 1935 के एक्ट में, ये रूल है कि लोअर प्रिपेरिन के इजाजत के बगैर ऊपर वाला पानी नहीं लेगा, क्या राव कमीशन ने ये फैसला किया था कि दिस विल टर्न लोअर प्रिपेरिन से? आपने पढ़ाई नहीं है, आपको पता ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो हुकूमत के हुकूमत इदारे में बातें करें, व्हाट डू यू नो अबाउट? आप मेरे सामने आए किताब फहातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, हमारे साथ आपके बात करें, आपने इंजीनियरों से बात की हमारे साथ बात करें, आई नो द इंटरनेशनल लॉ, आपको बताऊंगा कौन सा लॉ है, आपने एंडरसन पढ़ा हुआ है, आपने उनकी दूसरे अथॉरिटीज हैं, वर्ल्ड अथॉरिटीज हैं, राव की अथॉरिटी है, कमीशन की अथॉरिटी है, एंडरसन कमेटी है, कॉटन कमेटी है, राव कमीशन, आपके अंदर लॉ है नहीं, 1935 एक्ट है, आपके अंदर लॉ है नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले के हैं ना, अब भी है, दिस इज द प्रेजेंट लॉ, पाकिस्तान के लॉज बेसिस ये इंडियन लॉ पर हैं, इनको पता ही नहीं ना, इनको कंक्लूड कर लेते हैं। जी जी साहब, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज आप इस तरह करें कि पलेजो साहब को बोलने दें, ये बोलते रहेंगे, क्योंकि इसके जवाब के लिए तो न किसी के पास वक्त होगा और न वो इतनी ज्यादा इनकी वो बेइज्जती करना चाहेगा कि उनको बात दरमियान में इसका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बात मैं नहीं करना चाहता। हाँ जी, इसलिए मेरा ख्याल में उनको बोलने दें, जो कुछ ये कह रहा है सिर्फ एक आखिरी बात, सिर्फ ये का जवाब होगा और सही जवाब होगा जी, लेकिन उसके लिए फिर बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि ये बात जो उन्होंने 50 किस्म की बातें कही हुई है, ये उनके ख्यालात हैं और ये बात डिस्प्यूट्स रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको डिनाई करना कि इंडस रिवर की शेयरिंग के ऊपर कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है, कभी भी डिस्प्यूट नहीं रही है, ये गलत बात होगी। और ये पाकिस्तान तो छोड़े, आपकी दुनिया के हर रिवर के ऊपर अपर और लोअर रैपिडियन के दरमियान झगड़े होते रहे हैं और ये झगड़े और ज्यादा गंभीर होते जाएंगे, और जब तक हम कारोबार जैसे रिजर्वायर और न बना दें ताकि पानी के जो कमी है इन दी लो पीरियड्री है, सारा माल खा के सारा खलास करके कमी है, आप सारा माल खा के जाएंगे, अभी कमी हो जाएंगे, जो पानी लाए वो खा जाते हैं, कहते हैं अभी कमी है, इस किस्म के प्रोजेक्ट हम बनाए, दैट मींस नो एग्रीमेंट, आई हैव नॉट बीन टोल्ड दैट यू, ठीक है ठीक है, आई वाज नॉट टोल्ड के इसमें कोई और साहब भी होंगे, नहीं बट आई हैड उनको सामने बिठाए ना, ठीक है, सामने आगे बैठे हैं, हमारे साथ बात करें, बता नहीं कहाँ की बातें करते हैं। अच्छा पलीजो साहब, अब आप कहते हैं कि जो आपने जो पूरी जो बताया, पता ही नहीं है ना लागा। हाँ, अब आप ये बताइए कि इस पर क्या समझौता हो सकता है, कौन बैठे है आपके साथ? ओआईएस के नुमाइंदे हूँ, वर्ल्ड बैंक के जो आदमी हूँ जिन्होंने फैसला करवाया है, यूनाइटेड नेशन के आके बैठे हैं, सार्क वाले आए, यूनाइटेड नेशन वाले, ओआईसी, ठीक, ओआईसी के इंजीनियर्स हूँ, ठीक है, अथॉरिटी सामने बैठे, हमारे पंजाब के भाई आए, हमारे होंगे इंजीनियर होंगे, हम ही बैठेंगे बात करेंगे, इस्लामाबाद के जो भी प्राइम मिनिस्टर सदर जो भी है वो आके बैठे, उनके जो उनके नुमाइंदा बैठे, उनके जो नुमाइंदे हूँ, बिल्कुल। इस दौरान आपको कभी इस बात का मौका नहीं मिला, अब मुख्तलिफ सेमिनारों और इंटरेक्शन के जरिए वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं? छोड़े, नहीं नहीं, एक यूनाइटेड नेशंस के एजेस के तहत गैर जानबदार जजों का पैनल बने, हम उनके सामने अपना केस बनाएंगे, हाजिर, ये तो मुल्जिम है, ठीक है, हमारी नजर में गवर्नमेंट, देखिए एक चपरासी को फेडरल गवर्नमेंट निकालती है ना, उस पर हम केस करते हैं, उसको रिस्पॉन्डेंट बनाते हैं, तो ये जनरल मुशर्रफ तो रिस्पॉन्डेंट हैं इसमें, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बनाएगी ना? हाँ हाँ, नहीं, वी दे विल मेक अ रिक्वेस्ट टू द यूनाइटेड नेशंस एंड दे विल अपॉइंटेड, ये कैसे बनाएंगे, ये तो मुल्जिम, आप उनको इस बात का मौका दे रहे हैं, तो मैंने वो हर मुल्क में आके ये फैसला करें, बिल्कुल, हर इंडिया में जाकर ये फैसला करें कि वो मौजूदा कर, एब्सोल्युटली ये होना चाहिए, अगर लोगों को नीचे वहां इंसाफ नहीं मिलता तो ये यूनाइटेड नेशंस से क्या, हमें ह्यूमन राइट्स का मसला है, 33 करोड़ आदमियों के जिंदगी का मसला है, कसौवों की बात कर रहे हैं, हर जगह कहते हैं इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, न्यूरम्बर्ग ट्रायल हुई थी, न्यूरम्बर्ग ट्रायल में इतने आदमी मरने की बात नहीं थी जितने की आज हैं, हाउ कैन दे डू इट? आपने यहाँ का हशर देखा है सुप्रीम कोर्ट के साथ इन लोगों ने जो किया था,
यानी वो बेचारे जज छुपते फिर रहे थे। आपने जजों के बयान पढ़े हैं जो किताबें छप गई हैं कि देवर अंडर प्रेशर ऑफ जज, इन्होंने जुडिशियल सिस्टम के साथ जो कहर किया है, मियां नवाज जो मजाक किया है, मियां नवाज शरीफ ने जिसको टू थर्ड मेजोरिटी दी गई, जनरल बैठा था, सारे जनरल बैठा था, वो नवाज शरीफ ने वो किया जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाला नवाज शरीफ था, चीफ जस्टिस ने जनरल साहब को कहा ही डिड नॉट प्रोटेक्ट सुप्रीम कोर्ट, जर्नेल हैड शोर दैट विल प्रोटेक्ट द सुप्रीम कोर्ट, हमला करवाने वाला मियां नवाज शरीफ एक प्राइम मिनिस्टर का क्या था, दादा कर लिया, ही डिड अ क्रिमिनल एक्ट, और वही उसे जिसे दो टू थर्ड मेजोरिटी से पार्लियामेंट में बिठाया जाता है और उसी से सिंध की सबसे बड़ी नुमाइंदा पार्टी की रहनुमा हाथ मिलाती है। ये जो रोज हम अजीज हम वतनों करके आके बैठ जाते हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, हु गिव देम द अथॉरिटी, कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि तुम पर जनरल बने, आपका हम आए थे पाकिस्तान में जनरलों के गुलाम बनने के लिए, हम इनके पैरों में बैठे, पलीजो साहब आपकी आपकी पार्टी के पलीजो साहब पार्टी के आपकी सिंध की पार्टी सबसे बड़ी नुमाइंदा कहलाती है, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले से हाथ मिलाए, जनरलों से हाथ मिलाए, वो दुरुस्त, उसको आप इस तरह कंडम नहीं करते जिस तरह इस्लामाबाद की एस्टेब्लिशमेंट को करते हैं। मैं कर रहा हूं कि ये तो बेचारे हैं कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ हैं, अरे इन्हें सिंध के आवाम वोट देते हैं, क्या है, क्यों वोट देते हैं सिंध के आवाम, कोई वोट नहीं, सब देते हैं उन्हें, जब भी इलेक्शन होते हैं सिंध के आवाम उन्हें वोट देते हैं, ने सारे मुल्क को तबाह किया है, कोई वोटिंग नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, ये सारा ढोंग है, ढकोसला है, कोई इलेक्शन नहीं है पाकिस्तान में, फिर क्या होगा, फिर क्या तरीका है, फिर जमहूरी जदोजहद चलेगी, पूरा यही, फिर ये आएंगे जर्नेल मैदान खाली करें, आवाम को छोड़ें, हु आर दे, ये लेके आते हैं, किसने इनके कहना न माने, किसने कहा है इनको, आवाम ने इनको नहीं कहा, एक आदमी बुलचे लुफा, आवाम आवाम देते हैं इन्हें वोट, आवाम तो कॉम्प्रेसों को वोट नहीं देते, आवाम कॉम्प्रेसों को वोट नहीं देते, आवाम पलीजो साहब को कादर मक्सी को वोट नहीं देते, आवाम ने जर्नलों को वोट दिया, आवाम ने कादर पलीजो को वोट नहीं दिया, पलीजो को छोड़े, क्यों, मैं कहता हूँ क्यों वोट नहीं दिया, कल जाए लोगों को छोड़ें जैसे हम आपस में फैसला करेंगे, इलेक्शन यही बदकिस्मती है कि जिनको सिंध के आवाम या बलूचिस्तान के आवाम वोट देते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाते हैं, मैं कहता हूँ चोरों को वोट देंगे हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, जनरल आप चोरों के नुमाइंदों के साथ बैठते हैं, बिल्कुल क्यों बैठते हैं आप चोरों के नुमाइंदों, हम चोर होंगे, दे हैव अ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई होगा ये तो डंडे लेकर आते हैं, ये तो लोगों को फांसी पे चढ़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला किया भुट्टो के जमाने, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया, किसने, द चीफ ऑफ द स्टाफ वाज सिटिंग देयर, शहबाज शरीफ ने किया, कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ ने किया, कुड हैव इंटरवीन्ड एंड सेव्ड देम, ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने किया, ड्यूटी देखो दिस मैन पुलिस साहब, ये बात देखें सुप्रीम कोर्ट वो जहां आप कह रहे हैं वहां दुरुस्त, लेकिन तमाम बातें लॉ, इट वाज हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया, ज्यादा मुजम्मत हमला करवाने वालों की करें आप, दफा करें, फांसी पे चढ़ाएं, फिर क्या हुआ, लेकिन चढ़ा रहे आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, आप उनके साथ जल्द से जल्द करते हैं, आप जुलूस करते हैं, पैर चूमेंगे, लेकिन इसको तनख्वाह मिलती थी, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती थी, इनको करोड़ों रुपए दिए हैं कौम ने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी प्रोटेक्ट नहीं किया, ये आप जर्नेल साहब करोड़ों अरबे रुपए लेते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया, आप इनकी बात करते हैं, व्हाट आर दे डूइंग हियर, और ये क्या करते हैं, क्या इनको दफा करें, जो कुछ करें आप उनके हाथ मिलाते हैं उनसे, अरे भाई आप उनके साथ मिलाते हैं, आप उनके साथ मुजाहरे करते हैं, आप उनके साथ जलसा करते हैं, आप उनको इख्तदार में लाने का जवाब देते हैं, भाई ज्यादा ज्यादा हाथ मिलाते हैं ना, क्यों नहीं, नहीं आप हाथ पकड़ियों को कत्ल तो नहीं करते हैं ढाका में, आप हाथ पकड़कर उन्हें और नदियों में लोगों को गोलियां तो नहीं मारते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं पाकिस्तान महफूज हो गया तो नहीं चढ़ाते, और कहते हैं पाकिस्तान महफूज हो गया, लोगों को जेलों में बंद तो नहीं करते हैं, पाकिस्तान को तबाह तो नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेचते तो नहीं है ना, हाथ मिलाते हैं ना, उसकी जो सजा दे दे मुझे, और कहते हैं पाकिस्तान सजा हाथ मिलाने की, जब आप मशरकी बंगाल में फौजियों को कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हैं तो उससे ज्यादा जिम्मेदार उसको कहें जो कहते पाकिस्तान महफूज हो गया यहाँ आकर, चैलेंज फर्स्ट क्लास, ठीक है, और फिर आप उसको कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करता है ज्यादा बड़े जिम्मेदार, ओके, मैं अर्ज करूं रियली, अगर उस शख्स को पर आपने मुकदमा चलाया होता और इन जर्नलों पर मुकदमा चलाया होता, ठीक है, ये सारी फौज जम्मे गफी चलता ना 72 में, फलाना 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 चलता ना 71 में, देखें, और उसके साथ वो शख्स भी था, अगर होता ट्रायल करते तो हम अपन माय वर्ड ऑफ ऑनर आई वुड नॉट हैव ऑब्जेक्टेड। अच्छा पलीजो साहब, गुफ्तगू बहुत आगे बढ़ गई, पानी डैम का मसला तो रह गया जिसके बारे में हमने गुफ्तगू आगाज किया था, आप ये कहते हैं कि इस पर बातचीत हो सकती है बशर्ते कि यूनाइटेड नेशन
और OIC और दीगर के लोग इंडिपेंडेंट हाँ। और पाकिस्तान में यहाँ की अदलिया के जजों को लेकर एक कमेटी बनाई जाए, इंजीनियर्स हो आपके नुमाइंदे हो, तब वो जज बेचारे ठीक है, जजों की बेचारों की यहाँ के महफूज है, यहाँ के जज नहीं नहीं अच्छा यूनाइटेड नेशंस के आप दस्तक करें, कोर्ट के बाहमी से उनको मुंतखब करें, लेट देम कम एंड डिसाइड, लेट अस हियर पुट आवर केस। पानी का मसला, डैम का मसला इनके जरिए तय हो, बिल्कुल। फिर पाकिस्तान में ये भी तय होगा कि जी जमहूरियत का मसला भी इनसे तय कराएं, जरूर करना चाहिए। दिस इज द वर्ल्ड सिचुएशन, जमहूरियत जर्नलों के हवाले हो सकती है, दुनिया के अच्छे आदमियों के हवाले नहीं हो सकती। आज दुनिया अमेरिका के हवाले कर दे, यूनाइटेड नेशन में तो वही प्रमुख भेज दे, लेकिन हमारी जमहूरियत की बात होती है तो आपको गलत खा लिया। लेकिन आप जिस यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं वो तो अमेरिका का है, पुलिस जो था वो इराक में इराक पर हमला करवाता है, वो उसके खिलाफ है। मैं कहता हूँ बुरा है, इनसे बेहतर है अमेरिका, उससे बेहतर है यूनाइटेड नेशन, बेहतर है। उन्होंने हमारे 1,00,000 आदमी कत्ल नहीं किए हैं जो इन लोगों ने किए हैं, ये लोगों को दो करोड़, उसने एक आदमी ने बात की उसको जेल में डाल दिया, जो आदमी उसको भगा देते हैं। इलेक्शन होती है तो दहशतगर्द मुल्क में बैठे हैं, कब कोट पहन के आ जाते हैं, 3 वोट उनके वो बैठे हुए हैं और इलेक्शन कर रहे हैं, लोगों की खालें उतारते हैं और इलेक्शन हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या कहते हैं नदीन? पलीजो साहब से जब गुफ्तगू का आगाज हुआ था तो मुझे ये इल्म था कि पानी और डैम का मसला नहीं, बाकी तमाम मौजूदात पर गुफ्तगू होगी, लेकिन अगर पलीजो साहब से गुफ्तगू हो ये तमाम मौजूदात जेर बस ना आए, और यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पलीजो साहब से सवाल करते हुए मेरी थोड़ी सी आवाज़ बुलंद हुई, इसके लिए मैं इनसे माजरत खा हूँ, लेकिन बहरहाल एक डिस्कशन है, और ये आज से नहीं, पलीजो साहब से इससे बाहर भी, कैमरे के बाहर भी जब हम बैठते इस तरह बात करते हैं, ताकि एक अच्छी बात यह है कि अब मीडिया के जरिए लोग ये देखते हैं कि इन तमाम इश्यूज पर, चाहे पानी का मसला हो, डैम का मसला हो, फौज का रोल का मसला हो, और मैं पलीजो साहब से ये नहीं कहना चाहता कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत होती तो शायद ये डिस्कशन इस तरह नहीं होता। मैं कई बार कहता हूँ अगर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो हम मियाँ नवाज शरीफ के मियाँ साहब के रायवंड का जिक्र नहीं करते, बीबी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत होती तो शायद आसिफ जरदारी के दोस्तों का इस तरह जिक्र नहीं करते, लेकिन आज बहरहाल मुशर्रफ साहब कहते हैं हम वर्दी पर भी बात करते हैं, उनके रोल पर भी बात करते हैं, पानी और डैम समेत जितने भी इश्यूज हैं अगर इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद की है तो इस पर गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि पलीजो साहब ने की। मैं इनका बहुत ममनून और मशकूर हूं कि मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मुजाहिद बरेलवी को इजाजत दीजिए।